बिग बॉस 16 के घर के अंदर सुंबुल तौकीर खान पर ही सबसे ज्यादा नेगेटिव लाइट और नेगेटिव एनर्जी बरसाई जा रही है। पता नहीं मेकर्स को क्या मजा आता है सारी पॉजिटिव टेलीविजन की बहुओं को ले जाकर वहां पर बुरी तरह से नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं और जो एक्चुअली में घर के अंदर नेगेटिव हरकतें कर रही हैं उनको पॉजिटिव दिखा देते हैं। चलिए मैं इस वक्त आपको बताती हूँ कि कैसे राहुल वैद्य, वैसे सिर्फ राहुल नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो सपोर्ट में आए हैं, लेकिन इस वक्त राहुल वैद्य ने मेकर्स को एक बड़ी नसीहत दे दी है। जी हाँ, मेकर्स पर उनका गुस्सा फूटा है। चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि सुंबुल के लिए राहुल वैद्य सामने आए हैं, कल भी आप देखो पूरे एपिसोड में, मतलब जितनी बार ये बात बोलो उतनी बार एग्जॉस्टिंग हो जाता है यार। मतलब कितना ज़्यादा बिग बॉस विलिफाई कर रहे हैं सुंबुल को। देखो मैं ये नहीं कहती कि सुंबुल कहीं कहीं पे गलत नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर है ऑफकोर्स कि ठीक है चलो वो बहुत ज़्यादा शालीन कर रही थी, लेकिन क्या सिर्फ वो अकेले शालीन कर रही हैं? नहीं। क्या सिर्फ वो अकेले गलत हैं? नहीं। क्या सिर्फ वो अकेले बार बार शालीन टीना के पास जाती हैं? नहीं। टीना का मैंने आपको काफ़ी वक्त पहले एक वीडियो दिखाया था, वो पाउडर रूम जैसे टीना कहती हैं, वो वॉशरूम एरिया के पास थी, वहाँ पर वो कह रही थी सुंबुल को कि मैं बार बार तुम्हारे पास आती हूँ बात करने, तुम ही मुझे एटीट्यूड दिखाती हो, तुम ही बात नहीं करती हो। शालीन भी कल पूरे एपिसोड में टीना और शालीन के पास एक बार भी सुंबुल नहीं आई। सुंबुल या तो साजिद सर के साथ बैठी हैं, या वो शिव से बातें कर रही हैं, या फिर वो गई हैं यू नो अंकित, प्रियंका, अर्चना इन लोगों के साथ बैठने। तो एक बार भी क्या वो सामने से चल कर आई शालीन से बात करने के लिए? नहीं। गया कौन? शालीन उठ कर गए सुंबुल से बात करने। तो फिर सुंबुल कैसे ऑब्सेस्ड हो गई? सुंबुल तो कह रही है भैया कि मुझे दूर रखो। नो मीन्स नो, ना का मतलब ना होता है, ये बिग बॉस भूल चुके हैं शायद। मैं आपको इस वक्त बता दूं कि राहुल कृष्ण वैद्य सामने आए हैं और उन्होंने सुंबुल के सपोर्ट में एक बड़ा ट्वीट किया है। जी हाँ, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्वीट है। राहुल लिखते हैं, आज मुझे जेन्युइनली सुंबुल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो एक यंग लड़की है, एक यंग बच्ची है। एवरीवन जस्ट रैग्स हर, हर कोई घर के अंदर उनकी रैगिंग करता फिर रहा है अननेसेसरली। चाहे टीना हो गई, खास करके टीना, जिस तरीके से कल वो कह रही थी वो तो तुम्हें ही देख रही है, वो तो तुम्हें देख रही है। सुंबुल से ज़्यादा टीनेज हरकतें तो आप कर रहे हैं। बिग बॉस शुड हैव अ मिनिमम एज ऑफ 22 to 24 टू एंटर द हाउस। सुंबुल इज अमंगस्ट ईविल शार्क्स। जी हाँ, यानी कि खूंखार शार्क्स के बीच, मेरे हिसाब से खूंखार शार्क से उनका मतलब है कि ऑफकोर्स टीना और शालीन, खूंखार शार्क्स के बीच फंस गई है सुंबुल तौकीर खान। और बिग बॉस को राहुल ने जो नसीहत बिग बॉस को दी है वो ये है, जिससे मैं भी अग्री करूंगी कि बिग बॉस में एंटर करने की एक मिनिमम एज होनी चाहिए 22 to 24। इस रेंज में आप एंटर कर सकते हैं क्योंकि आप अपने एटलीस्ट अर्ली 20s में होते हैं। और जैसे निकी तंबोली होगी, जैस्मिन होगी, ये सभी अपने 20s में ही थे, निमृत भी अपने 20s में है, लेकिन फिर भी आप एक टीनेजर को, 18 साल के बच्चे को आप घर के अंदर नहीं ला सकते। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा।